सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे सुबह के 7:30 और मैं जाने वाला हूँ 10 दिन के लंबे टूर पे। तो ये है हमारा फर्स्ट डे और आज हम जानेंगे रिवॉल्सर जो कि है मंडी में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहने वाली अपनी सवारी और टेम्पो ट्रैवल में जाने वाले हम। रास्ते में रुके हैं यहाँ और ऐसा बता रहे हैं कि आगे जो ये पत्थर है, आपको बताता हूँ। तो गाइस, ये जो पत्थर है ये भीम के द्वारा अलोक धामी से फेंका गया था यहाँ। और आप लोग देखिए, ये पत्थर के ऊपर पत्थर है। तो हम अभी पहुंचे हैं मारकंडे और यहाँ आप मंदिर देखिए, काफ़ी बड़ा बन चुका है अब। गाइस, ये है मंदिर का परिसर। काफ़ी पहले आया था यहाँ, उस टाइम इतना बड़ा नहीं था। और इसके बैक साइड को जो है वो पार्किंग है सारी। काफ़ी सुंदर मंदिर बना दिया गया है। गाइस, ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ स्नान नहीं करते हो तो आपके चार धाम अधूरे रह जाते हैं। तो अगर आपको अपने चार धाम पूरे करने हैं तो यहाँ स्नान करना बहुत ज़रूरी है। नहाने का जो था यहाँ, उसे आजकल बंद कर दिया गया है क्योंकि कोविड चल रहा है। गाइस, ये है मार्कंडे जी का मंदिर और साइड को और भी मंदिर है, वहाँ चलते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से वापस क्योंकि अभी हमने जाना है रिवॉल्सर। तो चलिए, बने रहिए सफ़र में हमारे साथ। तो गाइस, अभी टाइम हो गया 12:30 और हम पहुँचे हैं बहादुर ढाबा पे अपना लंच करने। गाइस, ये है बहादुर ढाबा जो काफ़ी फेमस है अपनी मक्की की रोटी के लिए। मक्की की रोटी और सरसों का साग आज खाते हैं। तो हमारा लंच हो चुका है और अब हम चलते हैं आगे की तरफ यहाँ से। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रिवॉल्सर, जहां के लिए हम सुबह से निकले थे। और तकरीबन हम 8 बजे निकल चुके थे सुबह और अभी टाइम हो गया 3:30। तो चलिए आपको भी घुमाते हैं अब रिवॉल्सर। गाइस, ये है झील, यहाँ से शुरू हो जाती है आगे।
प्राइसेस जेल में है मछलियाँ। गाइस वहाँ पर है ऊपर महात्मा बुद्ध। मैं आपको बता दूँ ये जगह तीन धर्मों के लिए है, तीन धर्म है यहाँ। यहाँ पे है बुद्ध और वहाँ पर है मंदिर और एक तरफ गुरुद्वारा भी है यहाँ। गाइस अभी हम जाने वाले इस लेक का एक छोटा सा राउंड लगाने, मतलब पूरा घुमा के है यहाँ से ये। तो चलिए आप लोग भी। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर मंजिलों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक मंदिर और यहाँ पर है मंदिर। कौन सा मंदिर है? तो यहाँ पर है मंदिर। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है यहाँ। गाइस यहाँ पर है ये शिव जी का मंदिर, हर हर महादेव। पर है वो है गुरुद्वारा जो है सिखों के लिए, और यहाँ पर है मंदिर जहाँ पे हिंदू दर्शन करते हैं, और ऊपर की तरफ है यहाँ बौद्ध जैन बौद्ध धर्म के लिए। तो ये तीन धर्मों के लिए काफ़ी पवित्र जगह है रिवॉल्सर। हमने आधा राउंड जो है कंप्लीट कर दिया है और अब आधा आगे की ओर बचा है यहाँ से। अभी हमें यहाँ से घूम के उस पाली तरफ वहाँ पहुँचना है, तो चलते रहते हैं अभी। तो यहाँ पर है गुरुद्वार। पैरों को बांधे बेड़िया बता। तो फर्स्ट डे का रिवॉल्सर जो हमने अभी देख लिया है, अब इसके बाद जाएंगे हम अपने होटल जो कि है मंडी में। ऐसा कहानियां। अब हम लोग पहुंच चुके हैं तारना माता के मंदिर जो कि है मंडी के सीधे ऊपर, और अब चलिए इस मंदिर में भी चलते हैं, उसके बाद शायद हम मंडी घूमेंगे। चलते हैं गाइस इस मंदिर में। जय माँ तारला।
तो एक रास्ता का इस यहाँ से भी है और एक रास्ता वहाँ से है। वहाँ से आप गाड़ी लेके आ सकते हैं और यहाँ से आप पैदल अगर आना चाहे तो यहाँ से आ सकते हैं। और ये है मंदिर और जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो शाम के हो गए 6 और अभी हम पहुंच चुके हैं अपने होटल और आज हम यहीं स्टे करेंगे। तो इसके बाद सोचे अभी मंडी की ओर जाएं। तो ये होटल से कुछ व्यू नदी का, ये है ब्यास नदी। बाहर की तरफ जो भी हुआ है, यहाँ नीचे को है ब्यास नदी। आगे यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि बंद कर रखा है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और जो हमारा मंडी जाने का था प्लान वो अभी कैंसिल हो गया क्योंकि काफ़ी थक गए हैं, आज काफ़ी जगह घूमे हम। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और बने रहिएगा इस सीरीज़ में हमारे साथ क्योंकि डेली आपको व्लॉग मिलते रहेंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।